दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। रश्मि सिंह का अंदाज सबको रास आने लगा है। कांग्रेस नेत्री रश्मि सिंह के भाषण पर लोग तालियां खूब बजाते हैं। नेता को लगता है लोग उनके जोशीले भाषण के अंदाज को देखते हुए तालियां बजाते हैं, जबकि कई बार लोग दूसरों को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। दूसरे ताली बजाए, वह भी ताली बजाने लगे। उनको कारण नहीं मालूम होता कि हमने ताली क्यों बजाई। कई बार भाषण को जल्द समाप्त कराने के लिए लोग जल्दी जल्दी और खूब तालियां बजाने लगते हैं। रश्मि सिंह नागौर से विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गई, कांग्रेस को तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। अब रश्मि सिंह नागौर नगर परिषद का भ्रष्टाचार समाप्त कराने के मिशन पर लग गई है। वह भाजपा के विधायक नागौद राज परिवार के नागेंद्र सिंह को चुनौती दे रही हैं। मंच से भाषण में कह रही हैं कि भाजपा विधायक अकेले नागौद नगर परिषद का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करा पा रहे हैं, तो नागेंद्र सिंह कांग्रेस नेता रश्मि सिंह के साथ आ जाएं। वह रश्मि सिंह जो चुनाव में तीसरे नंबर पर थी, वह भ्रष्टाचार खत्म कराएंगी। दरअसल सभी जानते हैं हार की खिसियाहट साफ नजर आ रही है। रश्मि सिंह जब जिला पंचायत की उपाध्यक्ष थी, तब जिला पंचायत में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। क्या रश्मि जिला पंचायत के भ्रष्टाचार को रोक पाई? लोग कह रहे हैं रश्मि सिंह नागौर से लोकसभा लड़ेंगी। कमलनाथ ने कांग्रेस के किसी बड़े नेता से आश्वासन भी दिला दिया है, इसलिए रश्मि सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, रश्मि सिंह जो राजनीति कर रही हैं, वह गलत ट्रैक पर चल रही हैं। मुझे नहीं लगता वह कभी नागौर विधानसभा से सफल हो पाएगी। एक बार फिर मैं स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा का उदाहरण उनके सामने रखना चाहूंगा। रश्मि सिंह को अगर सफल होना है तो वह सिर्फ एक पद के लिए सफलता प्राप्त कर सकती हैं, बाकी वह पूरा जीवन संघर्ष कर लें, गलत ट्रैक पर चलते हुए वह सफलता मुश्किल ही अर्जित कर पाएगी। रश्मि सिंह संघर्षशील हैं, मेहनत करती हैं, निरंतर प्रयास करती रहती हैं, मगर राजनीति करना, राजनीति को समझना और राजनीति में सफल होना, यह अलग अलग बातें हैं। भीड़, भाषण, तालियां सफलता का राज नहीं बन सकती। इसके कई उदाहरण सभी के सामने हैं। बताया कि क्या वो नागौर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्या वो नागौर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के साथ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है? यदि वो भ्रष्टाचार के साथ है तो मैं यही कहूंगी कि जो नागौर में नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी के बैठे हुए लोग हैं, तो यदि वो उनके भ्रष्टाचार के साथ है तो उनको कोई जरूरत नहीं। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता भ्रष्टाचारी की लड़ाई नागौर नगर पंचायत में लड़ लेंगे। लेकिन यदि वो नागौर विधानसभा के विधायक है तो उनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि आज यदि नागौर विधानसभा में नागौर नगर पंचायत में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो वो साथ ले आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। और उनको लगता है कि वो कमजोर है भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में, तो हम कांग्रेसियों का साथ लें और हम भ्रष्टाचार को मैं विधायक यही कहना चाहूंगी कि नगर पंचायत की भ्रष्टाचार की बात हो या नागौर क्षेत्र के विकास की बात हो, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी पीछे नहीं हटे। हम विपक्ष में हैं, लेकिन आपसे मजबूत होकर ये लड़ाई लोगों की न्याय की हम लड़ेंगे, क्योंकि रास्ते में